हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सातवें क्लास की हिंदी की किताब दूर्वा का 16वां चैप्टर मिट्टी की मूर्तियाँ। ये जो चैप्टर है वो लिखा गया है जया विवेक जी के द्वारा, और इस चैप्टर में बताया गया है कि जो मिट्टी की मूर्तियाँ हैं वो कैसे बनाई जाती हैं, वो कब बनना शुरू हुई थी। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या कहा गया है। तो जो मिट्टी होती है उससे तरह तरह के खिलौने बनाए जाते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि जो मिट्टी के खिलौने होते हैं वो कितने सुंदर लगते हैं देखने में। तो बहुत से लोग होते हैं उनको इन मिट्टी के खिलौनों से खेलना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप लोग क्या जानते हैं कि जो मिट्टी के खिलौने होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, वो कब बनना शुरू हुई? तो अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी उसमें मिट्टी से बनी और पकी हुई कुछ मूर्तियां हैं वो खुदाई के दौरान मिली थी। जब हमने खुदाई की तो हमें मिट्टी की जो मूर्तियां हैं वो प्राप्त हुई थी। तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो लगभग 2500 से 3000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। तो जो ये केवल मिट्टी से बनी हुई मूर्तियाँ थीं, इतने लंबे समय तक कैसे सुरक्षित रही होंगी, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि जो मिट्टी होती है वो तो घुल जाती है पानी में, लेकिन वास्तव में जो मिट्टी से बनी और जो आग में पकाई हुई मूर्तियाँ होती हैं वो पानी में नहीं घुलती। तो जो मिट्टी से बनी हुई मूर्तियाँ होती हैं जो कि आग में पकाई जाती हैं, इस तरह की जो वस्तुएँ होती हैं जो कि आग में पकाई जाती है, मिट्टी से बनाई जाती हैं, वो पानी में नहीं घुलती हैं। तो जो ऐसी मूर्तियां होती हैं उनको कहते हैं मृत मूर्ति। तो पकाने से मिट्टी एक तरह से मृत हो जाती है, मतलब जो मिट्टी होती है वो पकने के बाद उसको पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता, उसका दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता। तो वास्तव में मिट्टी की जो मूर्तियां हैं उनका इतिहास काफ़ी अधिक पुराना है, 2500 से लेकर 3000 वर्ष पुराना है। तो इतना ही पुराना है जितना कि मानव। तो मनुष्य के पास अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने का एकमात्र साधन क्या था? चित्र या फिर ये मूर्तियाँ थीं। अगर उनको अपनी बात कहनी होती थी तो वो दीवार पर चित्र बनाते थे, या इस तरह की जो मूर्तियाँ वगैरह होती थी वो बनाकर अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते थे। तो हम ये जानते हैं कि जो मिट्टी से बनी हुई मूर्तियाँ हैं उसको कैसे बनाया जाता है, हम ये जानेंगे इसमें। तो मिट्टी से जो मूर्तियाँ बनाई जाती हैं वो दो तरह से बनाई जाती हैं। एक तरीका तो ये होता है कि हम केवल अपना हाथ है उससे मिट्टी की मूर्ति बना लें, हाथ से हम मिट्टी की मूर्तियाँ बनाएं। तो इस तरह की जो मिट्टी की मूर्तियाँ होती हैं वो ठोस होती हैं, अंदर से खोखली होती हैं तथा उभरी हुई होती हैं। तो दूसरा तरीका जो होता है वो होता है चाक की मदद से बनाना। तो चाक पर कुम्हार को जो मटके होते हैं या कुल्हड़ होते हैं हमने बनाते हुए देखा होगा। तो जो मिट्टी होती है वो भी जो कुम्हार होते हैं वो तैयार करते हैं चाक पर। तो आइए अब देखते हैं कि जो मिट्टी होती है उसको कैसे तैयार किया जाता है। तो हर जगह अलग अलग तरह की मिट्टी मिलती है, कहीं पर चिकनी होती है मिट्टी, कहीं रेतीली होती है, कहीं लाल होती है, कहीं पीली, सफ़ेद, काली। इस तरह से हर जगह की मिट्टी जो होती है वो अलग अलग होती है। तो मूर्ति बनाने लायक जो मिट्टी होती है जिनको तैयार करना होता है उसके लिए हमें क्या करना होता है, दूसरी मिट्टी भी मिलानी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हमने चिकनी मिट्टी ली तो हमने सारी चिकनी मिट्टी ही यूज़ कर ली, तो हम ऐसा नहीं करते। हमने चिकनी मिट्टी ली है तो उसमें दूसरी मिट्टी का भी प्रयोग करना होता है। तो जैसे मिट्टी चिकनी है तो उसमें हम थोड़ी सी रेतीली मिट्टी मिला देंगे, राख मिला देंगे, तो जो हमारी मिट्टी है वो मूर्ति बनाने के लिए तैयार हो जाएगी। तो मिट्टी की जो मूर्ति है उसको बनाने के लिए क्या करना होगा आपको, पहले मिट्टी को आप साफ़ करेंगे, तो उसमें जो कंकड़ पत्थर वगैरह होते हैं, कचरा होता है, उसको आप निकाल देंगे। फिर किसी बर्तन या हौद जो होती है, हौदियाँ होती हैं बड़े बड़े, या तसले वगैरह होते हैं, उसमें पानी के साथ मिट्टी जो होती है उसको आप गला लेंगे। तो जो मिट्टी होती है जब पानी में घुल जाती है तो उसे एक दो बार नीचे तक हिलाकर छोड़ देते हैं, जिससे अगर बारीक कंकड़ वगैरह होगा तो वो नीचे बैठ जाएगा। अब जो बर्तन है उसको एक दो दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। एक दो दिन बाद जो ऊपर ऊपर की मिट्टी है उसको किसी दूसरे बर्तन में हम निकाल लेंगे। थोड़ी देर बाद उस मिट्टी का जो पानी है वो ऊपर आ जाएगा। अब बर्तन को तिरछा करेंगे और जो ये पानी है उसको निकाल देंगे। अगर आपको लगता है कि मिट्टी ज़्यादा गीली हो तो उसको साफ जगह पर फैला देंगे। तो अगर लिपी हुई ज़मीन होती है, कच्ची ज़मीन है, उसको लेपा गया है, तो जो ज़मीन है वो पानी को सोख लेती है।
कुछ टाइम बाद जो मिट्टी है उसको हाथ में लेकर देखेंगे कि गोली जैसी बनी कि नहीं बनी। अगर गोली बनने लग जाती है तो समझो अपने काम लायक जो मिट्टी है वो तैयार हो गई है। अब सारी मिट्टी है उसको समेट लेंगे और जो पत्थर की सिला उस पर रखेंगे और जो हथौड़ा होता है लकड़ी का उससे मिट्टी को कूटेंगे। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, जो मिट्टी है उसको ऊपर नीचे करते रहेंगे, बीच बीच में हाथ से आटे की तरह उसको मारते रहेंगे। जैसे आटा मलते हैं ना, वैसे ही हम उसको मारेंगे मिट्टी को। तो मिट्टी की कुटाई अच्छी प्रकार से होनी चाहिए, क्योंकि अगर मिट्टी जो है अच्छी तरह से नहीं कुटती है तो जो मिट्टी है, जो मिट्टी की मूर्ति बनेगी वो चटक जाएगी और पकते समय टूट भी सकती है। तो हमें मिट्टी को अच्छी तरह से कूटना है। तो कूट कर तैयार हुई मिट्टी को फिर हम क्या करेंगे, जो गीला कपड़ा हो या बोरी वगैरह हो उसमें लपेट कर पॉलीथीन से ढक देंगे, ताकि जो मिट्टी है वो सूखने ना पाए, क्योंकि अगर मिट्टी सूख गई तो हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। अब हमें ये देखना होगा कि जो हम मूर्ति बनाएंगे वो हम कैसे बनाएंगे। चाक पर अगर हमें मूर्ति बनानी है तो हमें पहले चाक चलाना सीखना होगा। तो जो कुम्हार होते हैं उनके पास जाकर हम चाक चलाना सीख सकते हैं। तो मूर्ति बनाते समय हमें क्या क्या सामान चाहिए होता है, कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो हमें चाहिए होती हैं, जैसे बांस के टुकड़े हैं तो इनको हम क्या करते हैं, चाकू से छील लेते हैं, इनको अलग अलग आकार दे देते हैं। फिर इन बांस के टुकड़ों की मदद से हम जो मूर्ति बनाते हैं उसमें जो अनावश्यक मिट्टी लगी होती है उसको खुरच सकते हैं, हटा सकते हैं। तो इनकी मदद से क्या होता है, मूर्ति में हम कई जो अंग होते हैं उनको उभार भी दे सकते हैं, उभार सकते हैं कई अंगों को। इसके अलावा पुराना चाकू है, लकड़ी आदि की हमें आवश्यकता होती है। तो पहले हम बात करते हैं कि जो हाथ से बनी हुई मूर्तियाँ होती हैं वो कैसे बनाई जाती है और कितनी तरह की होती हैं। तो हाथ से जो बनी हुई मूर्ति होती हैं वो तीन तरह की होती हैं, ठोस होती है, पोली होती है और रिलीफ होती है, मतलब उभरी हुई होती है। तो अब हम देखते हैं कि जो ठोस मूर्ति होती है वो कैसे बनाते हैं। तो ठोस मूर्ति होती है उसको बनाना काफ़ी आसान होता है, सरल होता है, पर इस तरह की जो मूर्ति होती है वो बहुत बड़ी हम नहीं बना सकते, क्योंकि ठोस मूर्ति अगर हम ज़्यादा बड़ी बना देते हैं जब हम इनको सुखाते हैं या पकाते हैं तो उस टाइम इनके चटकने या टूटने का अंदेशा रहता है। तो अधिक से अधिक एक बिलांस यानी 15-20 सेंटीमीटर ऊंची हम इनको बना सकते हैं। तो इससे हम बिल्ली, हाथी, घोड़ा, शेर, पक्षी कुछ भी बना सकते हैं। तो आज हम बनाएंगे इससे घोड़ा। तो घोड़ा बनाने के लिए हमारी जो तैयार मिट्टी है उसकी हम लोई बनाएंगे। पहले दो लोई बना लेंगे, जैसे हम रोटी बनाते हैं उसके लिए हम लोई बनाते हैं, वैसे ही हम लोई बना लेंगे आटे की। अब जो दोनों गोले हैं उसको हम एक एक करके पत्थर या पट्टे पर रख कर लंबा बेल लेंगे। तो जैसा आपके किताब में चित्र में दिखाया गया है वैसे ही हम लंबा बेल लेंगे। और जब ये लंबे बेल जाएंगे उसके बाद जैसा कि चित्र में दिखाया गया है एक के ऊपर एक रख के हम इसको आपस में जोड़ देंगे। और हमारे पास जो मिट्टी है उसका हम घोड़े का सिर बनाएंगे, उसको इसके ऊपर लगा देंगे और मिट्टी को थोड़ा सा दबाकर दोनों तरफ के हम कान बना देंगे। और जो तीली या सीख होगी आपके पास उससे छेद करके हम आंखें बना लेंगे। तो हमारा जो घोड़ा है वो बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन जो ये घोड़ा बनेगा एकदम वैसा नहीं होगा जैसा कि घोड़ा हमें दिखाई देता है, तो उसके आकार का जो घोड़ा है वो बन जाएगा। इस तरह से हम कोई भी जानवर बना सकते हैं जो चार पैर वाले होते हैं। इससे हम मनुष्य की आकृति भी बना सकते हैं, पर हमें छोटी छोटी ही बनानी होंगी, क्योंकि जो बड़ी मूर्तियाँ होती हैं वो चटक सकती हैं। अब हम बात करेंगे जो पोली मूर्ति होती है वो कैसे बनाई जाती है। तो जो पोली मूर्ति होती है वो कितनी भी हम बड़ी बना सकते हैं। तो इसको बनाते समय हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर हम बाहर का हिस्सा ठीक कर रहे हैं, उसको आपस में मिला रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि अंदर की जो मिट्टी है वो गिर जाए या अंदर का जो हिस्सा है वो तिरछा हो जाए। तो इसको बनाते समय बहुत हमें सावधानी रखना होगा। तो इस तरह की जो मूर्तियाँ होती हैं करीब 3 फीट तक हम बना सकते हैं, लेकिन जो सॉकेट सिस्टम होता है उससे हम जितनी मर्जी उतनी ऊंची बना सकते हैं। मतलब यदि मनुष्य की मूर्ति हमको बनानी है तो उसके हाथ हैं, पैर हैं, सिर है, उसको अलग अलग बनाकर इसमें जोड़ दिया जाता है। तो जैसे पहले मिट्टी की हमने लंबी लंबी पट्टियाँ बनाई थी ठोस मूर्ति के लिए, वैसे ही हम 8-10 पट्टियाँ बना लेंगे। तो पट्टियों के दोनों सिरे हैं उनको जोड़कर छल्ले बनाएंगे पहले, और उन्हें एक के ऊपर एक रखते चले जाएंगे। तो जो पट्टियां हम बनाएंगे उसको हम क्या करेंगे, एक आकार का बनाएंगे, ऐसा ना हो कोई बहुत लंबी बन जाए, कोई बहुत छोटी बन जाए।
तो छल्लों से एक लंबी जार जो है वैसी रचना बन जाएगी। तो जैसा आप चित्र में देख रहे हैं एक जार की तरह रचना बन जाती है। अब हम क्या करेंगे, जो ये हमने छल्ले रखे हैं एक के ऊपर एक, अब हम अंदर की तरफ हाथ डालेंगे और हाथ का सहारा लगाकर बाहर से छल्लों के जो जोड़ हैं उनको मिलाकर एक सा कर लेंगे, बिल्कुल सपाट कर देंगे। इसी तरह बाहर से हाथ का आधार देकर सहारा देकर अंदर के जो जोड़ हैं उनको भी आपस में मिला देंगे। तो जो कुम्हार होते हैं जब मटके बनाते हैं उसको किस तरह से ठोक ठाक कर ठीक करते हैं वो हमने देखा होगा, उसी तरह हम कोई क्या करेंगे, बेलनाकार लकड़ी की वस्तु या टूटा बेलन ले लेंगे और फिर उसको अंदर और बाहर से ठोकेंगे। लेकिन हमें एक बात ध्यान रखनी होगी कि हमें धीरे धीरे ही ठोकना है, क्योंकि जो मिट्टी होती है गीली वो अगर ज़्यादा ठोक देंगे तो वो बहुत अधिक फैल जाएगी, तो हमें ज़्यादा फैलाना नहीं है इसको, तो हमें धीमे धीमे ही इसको ठोक ठाक कर ठीक करना है, क्योंकि ज़्यादा पतला होने पर हमारा जार जैसी जो रचना हमने बनाई है वो टूट भी सकती है। तो जो ये हमारी जार जैसी रचना है बहुत पतली नहीं होनी चाहिए, ये 1 या 1.5 सेंटीमीटर से अधिक पतला नहीं होना चाहिए। तो इससे हम मनुष्य की आकृति बना सकते हैं, इसमें हमारे जो हाथ पैर ये सब चीज़ें होंगी वो चिपकी हुई होंगी, कहीं दबाकर हम इसको चिपका देंगे, कहीं उभारेंगे, कहीं हम छेद करेंगे, कहीं हम इसको काट कर आकार दे देंगे। तो इस तरह से जो मनुष्य की आकृति है वो बन जाएगी। तो भारत में कुछ जगह हैं जहाँ पर हम इस तरह की मूर्तियाँ बनाते हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं वो जगह, जैसे बंगाल में है बांकुरा और उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, राजस्थान में मुलैला और मध्य प्रदेश में बस्तर, जहाँ पर इस तरह की जो मृग मूर्तियाँ होती हैं वो बनाई जाती हैं, इसके लिए ये बहुत फेमस हैं। तो राजस्थान के मुलैला नामक गांव में जो कि नाथ द्वार के पास है, तो यहाँ के जो कलाकार हैं वो उभरी हुई मूर्तियाँ बनाते हैं। तो जो ये मूर्तियाँ होती हैं हम इनको काफ़ी ऊंचा ऊंचा बना सकते हैं, कई फिट की होती हैं, जैसे 7-7 फिट की भी हो सकती हैं, इनको पकाया भी जाता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे कलाकार हुए हैं जिनको राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार भी मिल चुके हैं, और इनमें कुछ नाम है किशन लाल, खेमराज, लोगर लाला कुम्हार, तो इनको मास्टर क्राफ्ट मैन का पुरस्कार मिला है। तो देश के इन आदिवासी और लोक कलाकारों की जो कृतियां हैं वो विदेशों में भी प्रदर्शित की गई हैं, इनकी बनाई हुई कृतियां विदेशों तक में जाती हैं। अब हम बनाना सीखेंगे कि जो उभरी हुई मूर्ति होती है वो कैसे बनाई जाती है, रिलीफ मूर्ति हम कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक छोटी सी मूर्ति बनाकर देखेंगे। तो इसके लिए हम लकड़ी या पत्थर का एक समतल पीस है वो ले लेंगे, और हमारी जो तैयार मिट्टी है उसको 3 सेंटीमीटर मोटा, 30 सेंटीमीटर लंबा और 30 सेंटीमीटर ही चौड़ा इसके ऊपर लगा देंगे। तो इसकी तह लगाने के बाद हम इसको समतल कर लेंगे, एक सा कर लेंगे, कहीं ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए। तो इस पर बनाने के लिए हम जो भी आकृति चुनेंगे उसमें बहुत ज़्यादा गड्ढे या उभार नहीं होने चाहिए। तो हमने मान लो हाथी बनाना है इसके ऊपर, तो हम इसके ऊपर हाथी का चित्र बना लेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, जो इसके हमें पैर दिखाई दे रहे हैं पीछे वाले छोटे वाले, उस पर थोड़ी सी मिट्टी लगाकर हम इसको उभार देंगे, और जो आगे के तरफ वाले लंबे पैर हैं उन्हें थोड़ी ज़्यादा मिट्टी लगाएंगे, और ज़्यादा मिट्टी लगाकर इसको उभार देंगे, इसको ज़रा ऊपर कर देंगे, उथला बना देंगे। पेट को पैरों से थोड़ा और ऊंचा बनाएंगे, तो चेहरे को पेट से थोड़ा कम रखेंगे। तो इस तरह से हमारी जो आकृति है वो इस जो हमारी प्लेट है, समतल प्लेट जो हमने ली है उस पर उभर कर आ जाएगी। छोटी सी हम इसमें पूंछ बना देंगे मिट्टी की, और आँखों के लिए हम क्या करेंगे, सीख से ही एक छेद कर देंगे तो हमारी आँखें बन जाएंगी, और हल्का सा करेंगे, बहुत गहरा नहीं करेंगे। अब हाथी के जो शरीर है, हाथी का जो हमने आकृति बनाई है उसका जो शरीर है उसको गोलाई देना है। तो हम इसके लिए चाकू या बांस की चिकनी पट्टी है उसको ले सकते हैं, उससे हम इसको आकार दे सकते हैं। अब जो हाथ है उसको थोड़ा सा गीला कर लेंगे और इसको चारों तरफ से एक सा कर लेंगे, मतलब जो हमारा हाथी की आकृति बनी है उसको हम एक अच्छे से इसको समतल कर लेंगे। तो 1-2 घंटे इसे गीले कपड़े या पन्नी से ढककर रख देंगे, मिट्टी थोड़ी कड़क हो जाएगी, फिर चाकू या बांस से थोड़ा इसको रगड़ देंगे और चिकना कर लेंगे। जब ये मूर्ति चिकनी हो जाएगी तो इस पर हल्की सी चमक आ जाएगी,
और फिर जो ये हमारा चित्र बनेगा इसको और अच्छा करने में, इसको उभारने में हमें अच्छे से मदद मिलेगी। अगर इसे इस तरह से चिकना कर लेंगे तो बाद में जो ये मूर्ति बनी है हमारी हाथी की, उसको ढालने में आसानी होगी। तो इस तरह हमारी जो आकृति है वो बन जाएगी। तो इस तरह से हमारी जो उभरी हुई मूर्ति है, चित्र है, वो बन जाएगा। अब हम देखते हैं कि चाक की मदद से हम कैसे बना सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जो चाक होता है उस पर भी हम मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन जो चाक होता है उस पर हम पूरी मूर्ति नहीं बना सकते। केवल कुछ ही हिस्से होते हैं जो हम चाक पर बना सकते हैं। जैसे कि हमें हाथी बनाना है तो हमें क्या करना होगा, मिट्टी के चार कुल्हड़ लेने होंगे, मतलब इस चाक पर चार कुल्हड़ बनाने होंगे। एक दिया, दो मटके हम इसका जो चाक है उस पर बना लेंगे। अब जो हमारे कुल्हड़ हैं उसको हम उल्टा करके रख देंगे और इस तरह हम रखेंगे जैसे कि वो लगेंगे हाथी के पैर हैं। अब इन पैरों पर बड़ा सा मटका रख देंगे और इसे मिट्टी से जोड़ देंगे। छोटे मटके को आगे सिर की जगह रखकर जोड़ देंगे। इसके नीचे हम कुछ ऐसी चीज़ लगा देंगे जिससे कि जो सिर है वो गिरे नहीं। अब दिए को हम बीच से काट लेंगे, तोड़ लेंगे तो दो भागों में ये बट जाएगा और ऐसा लगेगा कि हाथी के कान हैं। तो गीली मिट्टी लेकर हाथी की सूंड और पूंछ भी बना लेंगे और आँखों की जगह दो बड़े छेद कर लेंगे हम। फिर हम देखेंगे कि हमारा जो हाथी है वो बन जाएगा। तो छत्तीसगढ़ का एक इलाका है जहाँ पर इस तरह के जो हाथी हैं वो बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो खरीदार हैं उसकी पता है क्या कीमत देते हैं? कीमत के रूप में उस हाथी के पेट में धान भरकर एक नई चादर से ढक दिया जाता है। यानी कि जितना बड़ा हाथी होता है कुम्हार को उतना ही धान मिल जाता है। तो ये हमारा जो हाथी है वो तो बन गया, लेकिन अगर हम चाहते हैं हमारा हाथी बहुत दिन तक चले तो हमें इसे क्या करना होगा, पकाना होगा। तो हमने देखा होगा जो कुम्हार होते हैं वो क्या करते हैं, भट्टी लगाते हैं, अपनी बनाई हुई जो चीज़ें होती हैं उनको वो पकाते हैं इसमें। तो इस तरह से हमारी जो मूर्ति है उसको हम भी पका सकते हैं। कैसे पकाना है ये हम आपको बताएंगे, पर अगर जगह और साधन का जुगाड़ आप नहीं कर सकते, अगर आपको ऐसी जगह नहीं मिलती, साधन नहीं मिलते जिसे आपको पकाना है, तो आप इसे कुम्हार के यहाँ दे सकते हैं, वहाँ भी आप इसको पकवा सकते हैं। तो जो कुम्हार का मटका, गमले आदि जो होती हैं उसी के साथ ये आपकी मूर्ति भी पका देगा। अब हम क्या करेंगे, पकाने के लिए भट्टी बनाएंगे। तो मूर्ति पकाने के लिए हम ऐसा दिन चुनेंगे जब मौसम बिल्कुल साफ़ हो, बारिश ना हो रही हो और ऐसा ना लग रहा हो कि बारिश हो जाएगी। तो बिल्कुल ऐसा दिन होना चाहिए जो साफ़ हो। तो भट्टी लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, 20 से 25 कंडे लेने होंगे, लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े हैं वो लेने होंगे, सूखी घास और भूसा वगैरह हमें लेना होगा, मिट्टी होनी चाहिए हमारे पास और एक बाल्टी पानी होना चाहिए। अब जो खुली ज़मीन है वहाँ पर इतना बड़ा गड्ढा खोदेंगे जिसमें हमारी जो मूर्ति है वो आसानी से खड़ी हो सके। अब एक बिलांस यानी करीब आधा फुट जो गहरा गड्ढा है वो जब खुद जाएगा तो हम उसमें नीचे एक परत बिछा देंगे कंडों की। तो कंडे बिछाने के बाद उसके ऊपर हमारी जो मूर्ति है उसको हम खड़ा कर देंगे। हम मूर्ति को चारों तरफ से लकड़ी के टुकड़ों से और कंडों से ढक देंगे और बीच बीच में जो घास फूस है वो भी लगा देंगे। अब चारों तरफ से बड़े बड़े हम कंडे लगा देंगे और ऊपर से जो पुआल है, घास फूस है, भूसा है, वो डाल देंगे। तो मिट्टी को पानी में घोलकर गाढ़ा सा घोल बना लेंगे और इस घोल की एक मोटी परत जो है वो हमने जो भूसा वगैरह डाला है उसके ऊपर डाल देंगे, लेप लगा देंगे उसका। और जगह जगह हम क्या करेंगे, धुआं निकलने के लिए छेद भी रखेंगे, ऐसा ना पूरा ढक दें, बीच में छेद भी होने चाहिए जहाँ से धुआं निकलता रहे। तो हमारी जो भट्टी है वो तैयार हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, कागज़ की एक पुंगी बनाएंगे और जो छेद है इसमें उसमें डालकर इसमें आग लगा देंगे जो पुंगी बनाई है, और आग लगाकर जो छेद है उसमें से धीरे धीरे अंदर डालेंगे। अब क्या होगा, अंदर का जो भूसा वगैरह है, सूखी घास है, कंडे हैं, वो जलने लगेंगे और हम इसको ऐसे ही जलने देंगे और ये अपने आप जलेंगे, भुजेंगे, पर इनको आपको बिल्कुल अब छेड़ना नहीं है और ना ही इसको जल्दी जलाने की कोशिश करनी है, ना ही इसको बुझाना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। 5-6 घंटे बाद जब भट्टी ठंडी हो जाएगी तब हम इसको धीरे धीरे खोलेंगे। तो जो हमारी मूर्ति है उसको एकदम हाथ नहीं लगाना है क्योंकि वो गर्म होगी। मूर्ति जब अपने आप ठंडी हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, जो हमारी मूर्ति है उसको संभाल कर रख देंगे।
तो मूर्ति को ठंडा करने के लिए हम इसके ऊपर पानी भी नहीं डालेंगे, तो इसको अपने आप ही ठंडा होने देना है। तो इस तरह हमारी जो मूर्ति है वो बनकर तैयार हो जाएगी। इसको हमें बहुत संभाल कर रखना है, तो ये लंबे समय तक रह सकती है। तो हमारी जो मूर्ति बनकर तैयार होगी वो हल्के लाल रंग की होगी, जैसे मटके का रंग होता है। अगर आपको इसको और भी ज़्यादा लाल करना है और अच्छा कलर देना है, तो आप इसको गेरू से भी रंग सकते हैं। आप इसके ऊपर और भी कोई रंग लगा सकते हैं। तो हमारी जो मूर्ति है वो पकने के बाद काली भी हो सकती है, काले रंग की भी हो सकती है, मगर कैसे हो सकती है ये आपको सोचना है कि हमारी जो मूर्ति है वो काली कैसे हो सकती है। हमें ऊपर से इस पर रंग नहीं लगाना है। तो हमारा जो चैप्टर है वो यहाँ पर ख़त्म हो गया, और इस चैप्टर में यही बताया गया है कि जो मिट्टी की चीज़ें होती हैं, मिट्टी की मूर्तियाँ होती हैं, वो कैसे बनाई जाती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। तो बच्चों आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए। हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।